माइंड इज कमल सिग्नेचर। तो आज थोड़ा ध्यान से करना, आज हम सिर्फ दो एग्जांपल करेंगे, लेकिन मैं जब इसको स्टडी करा तो फर्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी वन, बट जो सेकंड में उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा तो वहां पर हम टाइम लेंगे, लेकिन उसके बाद दो एग्जांपल आपको खुद करनी होगी और मेरे को बताना होगा, ठीक है। सो इन दैट वे चार क्वेश्चन का एक सेट होगा, ठीक है। सो आज की फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से हमारे पास कैसी है। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें दिया ए एन ग्रेटर देन जीरो, बी एन ग्रेटर देन जीरो, ए एन प्लस वन ऐसा है एंड बी एन प्लस वन वैसा है। ये ऐसा और वैसा दो हमारे पास अलग अलग से सीक्वेंसेस है, हमें प्रूव करना कि दोनों सीक्वेंसेस मोनोटोनिक है, दैट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। दिस इज अवर टास्क, ठीक है। तो अब जब स्टार्ट करना है तो अब आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस है और हमें कुछ तो कुछ यहाँ पर लेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका ए एन प्लस वन दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एन बी एन एंड यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम क्या कर लेते हैं विदाउट, मतलब दोनों सीक्वेंस में कुछ तो होगा ना, मान लो एक सीक्वेंस वन है, थ्री है, फोर है, फाइव है, ऐसी कुछ चल रही है, मान लो दूसरी सीक्वेंस है जीरो टू फोर ऐसे कुछ है, तो इन दोनों के जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उनमें कुछ तो रिलेशन होगा, जहाँ तो वो इक्वल होने चाहिए, जहाँ फिर एक लेस होगा दूसरे से, जहाँ फिर ग्रेटर होगा। तो हम क्या कर लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने पहले ए को देखा तो हम ए को स्पेशल मान लेते हैं और मान लेते हैं कि हमने विदाउट कंसिडर कर लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। हम क्या कर लेते हैं सपोज कर लिया, लेट कर लो कंसिडर हमारा ए वन कैसा है ग्रेटर देन बी वन, जी हमने कंसिडर कर लिया एंड हमें गिवन क्या दिया हुआ है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू ए एन प्लस बी एन दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एन एंड बी एन है। साथ ही में एंड बी एन प्लस वन कैसा है वो हमारे पास है यहाँ पर, उसका है स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट आएगा, वहाँ पर टू नहीं आएगा नीचे, वो मिस्टेक से किसी ने लिख दिया होगा जहाँ पर कि सर्कल गलत हो जाएगा, आप में से किसी ने ऐसी शरारत की होगी तो बता देना ना किसने की है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ए एन एंड बी एन दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन एंड बी एन। इसको जान रखने के लिए आपको जो स्टार्टिंग है वो आपको पता होगा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेम नंबर्स होता है, जहाँ तक हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद कैसे करना है, नाउ थोड़ा सा ध्यान से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ए एन प्लस वन को, हमने चेक करना कि मोनोटोनिक होने चाहिए, तो ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई इन टू ए एन प्लस बी एन होता है हमारे पास। अब ध्यान से देखना, आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा, जैसे ही आपका ए एन प्लस वन क्या है अरिथमेटिक मीन है ऑफ टू नंबर्स, वैसे आपका ए एन भी अरिथमेटिक मीन होगा और बी एन आपका क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। यदि आप जहीं पर देखते हैं तो आपका ए एन क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एन माइनस वन होगा और उसके बाद आपका एन बी एन माइनस वन एंड बी एन आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं या फिर आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं कि आपके पास जो ए वाली टर्म है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू बी वाली टर्म, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कम होगा, बिकॉज ये जो टर्म्स है ना जहाँ पर जो एवरी टर्म है ए सिक्वेंस की वो दो टर्म्स का क्या है अरिथमेटिक मीन और ये क्या होगा उन्हीं दो टर्म्स का क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका मीनिंग आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो होगी इस सीक्वेंस में वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर आपने क्या करना, जब भी हमने मोनोटोनिक करना मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ तो आपने इसको रिप्लेस करके सिर्फ ए को देखना पसंद करेंगे। आप कहेंगे कि जी ए एन प्लस वन है तो ए एन प्लस वन वाली सीक्वेंस में बी एन का क्या काम है, तेरा कोई काम नहीं तो चल, अब इसको हटाना है तो इसको हटाकर हमें ए एन लेकर आना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, जहाँ पर मैं वन बाई टू सेम रखता हूँ ए एन मैं सेम रखता हूँ और प्लस जैसे मैंने बी एन को बोला कि तू जा भाई मुझे तो ए एन चाहिए, ठीक है। अब जब आपका ए एन आएगा अब स्पेशल देखना क्या फ़र्क पड़ा, जो जो ए एन है दिस इज ग्रेटर देन बी एन बिकॉज आपका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ए एन आपका क्या है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एन माइनस वन एंड बी एन माइनस वन एंड बी एन क्या आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन माइनस वन एंड बी एन माइनस वन। तो हमारे पास जो ए एन वाली टर्म होगी दिस टर्म इज ग्रेटर देन, तो ऐसा साइन जहाँ पर आपको दिखाई देने देखने को मिलेगा। सो दिस ए एन ग्रेटर देन बी एन, बाकी तो सब सेम था। इसका मीनिंग आप यदि इनको ऐड करते हो तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 2an over 2 that is an। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या कर दिखा दिया, हमने शो कर दिया कि an plus 1 जहाँ पर क्या है less than an और ये for all and belongs to natural number होगा। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, दिस इज फॉर ऑल एंड an plus 1 an से छोटा है, an an minus से होगा और an minus 1 an minus 2 से होगा, तो ये ऐसे ही चलता चलेगा, ठीक है। सो बीच में प्राइस क्या होगा आपके पास
ए एन जो सीक्वेंस होगी इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आज गर्मी ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है, हमें तो पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, बिकॉज आप इंटेलिजेंट हो बच्चे। तो अभी हम करते हैं बी एन प्लस वन के साथ, बी एन प्लस वन है ऐसा हमारे पास ए एन इंटू बी एन। अब बी एन सोचेगा कि ए एन प्लस वन ने क्या किया कि अपने वाले में से मेरे को हटा दिया, तो वो टिट फॉर टैट होगा, अदले दब बदला यहाँ पर होगा, वो सोचेगा कि मुझे बी एन में जो मेरे पास है बी एन प्लस वन के पास, वो ए एन को देखना पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा तू चल मैं भी अपने सेम वाले बाई को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, बी एन आप सेम रखेगा, यहाँ पर आप ए एन को हटा कर बी एन कर देना, लेकिन हमें तो पता है, हमें क्या पता है, जो बी एन है वो ए एन से छोटा है, सो दिस आंसर इज लेस देन दिस आंसर होगा। अभी जहाँ पर क्या होगा, अच्छा नहीं समझ लगा, किसको नहीं लगा, वापस आइएगा ध्यान से सुनना, जैसे तुम्हें कह रहा हूँ आपको यदि नहीं समझ लगा तो थोड़ा सा जूम करें, एयरफोन की जो वॉल्यूम है अप करें और यहाँ पर आए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। मैंने क्या बोला कि वो बी एन को देखना पसंद करता है, मैंने जहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा, आपने भी नहीं लिखना, आपने सेम यहीं से स्टार्ट करना, जी बी एन की पहले से एंट्री है, तो आपने इस ई एन को बाहर भेज मतलब सेंड करना है, तो उसको रिप्लेस करके अपने ही कैटेगरी के सेम नंबर को लेकर आना है बी एन को। जब आप ए एन को हटा देंगे और बी एन को लिखेंगे तो जो न्यू वाला आंसर है आपके पास, बिकॉज दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज लेस देन अरिथमेटिक मीन है, सो इनका जो भी आंसर आएगा अब वो इस आंसर से तो छोटा होगा, एंड दिस इज बी एन स्क्वायर काटने के बाद आपके पास सिंपल क्या बचेगा, बी एन बच जाएगा। तो देयरफॉर आपके पास क्या है, बी एन प्लस वन इज ग्रेटर देन बी एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं हमारे पास कर दिया, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, बी एन जो सिक्वेंस है वो कैसी आ चुकी है, इंक्रीजिंग, बी एन प्लस वन ग्रेटर देन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिक्वेंस, ठीक है, तो हमने इतना शो कर दिया। तो देयरफॉर वो सीक्वेंस ए एन बी एन आर मोनोटोनिक सीक्वेंस आप जहां तक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब इनकी लिमिट बतानी, लेकिन उससे पहले इनको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। कन्वर्जन कब करेगी, जब जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की कोई ना कोई लोअर बाउंड होगी और इस इंक्रीजिंग सीक्वेंस की कोई ना कोई आप अपर बाउंड शो कर पाएंगे। अब नाउ हमें पता है, आप देखिए यहां पर आपका जो बी एन प्लस वन है वो बी एन से बड़ा है, तो बी एन बी एन माइनस वन से बड़ा होगा, तो जो आगे कुछ चलती है इसका मीन जो जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, बी एन प्लस वन जो कि ग्रेटर देन बी एन था वो ग्रेटर देन बी वन होगा, सिंपल सा फंडा, बिकॉज बी वन आपकी स्टार्टिंग टर्म थी। अब जिस सीक्वेंस ने बढ़ने का सोच लिया, अब जो सीक्वेंस कहती है कि मैं तो इंक्रीज करूंगी इंक्रीज करूंगी इंक्रीज करूंगी, वो अपनी फर्स्ट टर्म से तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, सो बी एन प्लस वन बी एन से बड़ा था, बी एन माइनस वन से बड़ा होगा, तो बैक चलते चलते सारी की सारी टर्म बी वन से तो बड़ी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉर ऑल एन लिख सकता हूँ मैं आपके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड साथ ही में आपके पास ए एन प्लस वन कैसी थी, ए एन प्लस वन वाली सीक्वेंस डिक्रीज कर रही थी, उसका जो स्टार्टिंग में आंसर था फिर उससे कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, इसका मीनिंग जब आप बहुत आगे चले गए तो आपका जो सबसे बड़ा आंसर था वो ए वन ही था, इसका मीनिंग सारे के सारे आंसर ए वन से तो छोटे हो गए। यहाँ पर एंड हम कह सकते हैं ए एन प्लस वन हमारा ए एन से छोटा था और जे डेफिनेटली ए वन से छोटी होगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों टर्म को देखें ध्यान से, हमें पता है कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ डिफरेंट सिक्वेंसेज। अब जे क्या है, बी एन ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन से छोटा होता है, तो बी एन तो ए एन से छोटा होगा, एंड ए एन किससे छोटी है, ए वन से छोटी है, बी वन किससे बड़ा है, वी वन से बड़ा है। अरे वाह जी, तो बहुत आसान सा हो गया कुछ। अब यहाँ पर सिर्फ इस सीक्वेंस को फोकस करें, इस सीक्वेंस को सिर्फ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा डिजाइन दिखा दिया आपको, तो ये ए एन वाली सीक्वेंस है अब जो कि है बाउंडेड है, बिकॉज बी वन एंड ए वन आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर है और ए एन की सारी टर्म ए वन और बी वन के अंदर अंदर ही वर्क करेंगे। तो हमें जो डिफाइंड करना है कि हमारे पास ए एन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इट इज द लोअर बाउंड ऑफ ए एन, तो जहां पर हम बता देंगे हेयर ए एन हमारे पास कैसी है, इस बाउंडेड बिलो हो चुकी है किस नंबर से, बाय बी वन। एट द सेम टाइम आपके पास बी वन भी तो बी एन भी तो बाउंडेड है, जिसकी लोअर बाउंड जे बनेगी अपर बाउंड जे बनेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो हमें सिर्फ एक टाइम पर एक ही लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो देयरफॉर बी एन इज बाउंडेड अबव बाय ए वन, एंड हमारे पास क्या है, बी एन हमारे पास कैसी है, इज बाउंडेड अबव है, इज बाउंडेड अबव बाय ए वन।
तो देयरफॉर आपको दो लाइंस लिखनी है, तो आपने लाइंस लिखे प्यारी प्यारी से लाइन, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा प्यार से, तो आप लिखिए, तो देयरफॉर वी हैव ए एन इज बाउंडेड, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ, तो देयरफॉर वी हैव ए एन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, ठीक है, एंड बी एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सिक्वेंस एंड बाउंडेड अबव बाई ए वन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अभी दोनों कन्वर्जेंट हो चुकी है, तो अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना इनकी लिमिट को, ठीक है। हमने बोला कि हमारे पास दोनों कन्वर्जेंट है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है दैट इज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो भी हमारे पास है ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एल कर लेते हैं, यहाँ पर एन की बात करेंगे, ठीक है, ए एन वाली की सिक्वेंस की एल, एंड लिमिट कर लेते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो देयरफॉर आप किसी भी एक को उठा लीजिए, या फिर इसको या उसको, आपकी मर्जी, आप किसको भी उठाना चाहते हैं, हम पहले को कर सकते हैं, हम दूसरे को भी कर सकते हैं, तो पहले से मूव करते हैं नाउ, या फिर देयरफॉर लिख लो, तो देयरफॉर हमारे पास इसके ऊपर लिमिट लगा दो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, आपके पास लिमिट जहाँ पर आपको एन दिखा दे रहा है वहाँ पर आप लगा देना, ठीक है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन, तो इसका आंसर कितना आएगा, एल आ जाएगा, वन बाय टू है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हमारे पास एम है, तो सिंपल जहाँ पर टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू एल इज इक्वल टू एल प्लस एम हो गया, और एल से एल माइनस करने पर एल इज इक्वल टू एम। अरे ये क्या, हमने तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट लिमिट पढ़ लिया था, ये दोनों तो सेम हो चुके, तो देयरफॉर दे बोथ कन्वर्ज एंड कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, तो आपने नीचे लाइन के लिखनी है, हेंस वी प्रूव दैट The two sequences A and BN are converged are monotonic sequences and hence with a pyari smile converge to the same limit, that is same limit को करेंगे, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होता है। सो आज के जो बेहतरीन एग्जांपल है उसके साथ हम डील करते हैं, कैसे करना है, हमारे पास इफ एस वन एस टू आर पॉजिटिव है एंड एस एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ इन टू एस एन प्लस एस एन माइनस वन, तो प्रूव दैट द सिक्वेंस इज सिक्वेंस, क्या हमारे पास वैसे तो एक सिक्वेंस है लेकिन हमने उसकी टर्म्स डिफरेंट कर ली है, ऑड प्लेसिस पर जो टर्म्स है वो एक सिक्वेंस बना दी, और एस टू एस फोर सिक्स जो आपके इवन प्लेसिस पर टर्म्स होगी उनकी हमने सेकंड हमारे पास क्या है सिक्वेंस बना दी। हमें प्रूव करना है कि आउट ऑफ दिस टू वन इज इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग एंड ऑल्सो शो दैट देयर कॉमन लिमिट इज वन बाई थ्री इंटू एस वन प्लस टू एस वन, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही बात है कि आपके पास दो उन्होंने वैल्यू दी है, या तो आपका एस वन ग्रेटर हो सकता है एस टू, या फिर वो लेस हो सकता है, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो हम आस करते हैं कि हम इसे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा एस लाइक वन थ्री फोर कुछ भी आप कर सकते हो, तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड से क्या है डिक्रीज है, छोटी है, बिकॉज पॉजिटिव टर्म है तो हम ऐसे मूव कर सकते हैं। तो विदाउट आपने क्या करना है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, कंसिडर एस वन हमारे पास कैसा है एस टू से छोटा है, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया, एंड साथ ही में हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास क्या है एस वन कॉमा एस टू आर पॉजिटिव, ठीक है। तो देयरफॉर यदि आपके पास ऐसे नंबर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारे का सारा जो डाटा होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज जो आप एस एन प्लस वन निकाल रहे हैं वो क्या है अपने से जो बैक दो नंबर्स हैं उनका क्या है अरिथमेटिक मीन, और पॉजिटिव टर्म का अरिथमेटिक मीन आपके पास पॉजिटिव होता है, तो जहाँ पे हमारे पास क्या है कि एस वन एस टू आर पॉजिटिव, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा एस एन ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मीनिंग हर एक टर्म क्या होगी इसकी पॉजिटिव होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे थोड़ा सा ध्यान से करना, हमारे पास क्या है नाउ, हमारे पास एस थ्री कैसा है, एस थ्री होगा वन बाय टू, आपके पास एस टू प्लस एस वन होगा, अरे वाह, जब भी आपके पास दो नंबर्स होते हैं, मान लो एक मेरे पास टू है एक मान लो मेरे पास सिक्स है, दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना होता है दैट इज अ फोर, कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड करके, जी आपके पास एट ओवर टू दैट इज फोर, आपके पास फोर आंसर आ चुका। अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ध्यान से देखना, मान लीजिए जी हमारा एस वन है जो कि लेस है एस टू से, और हमारे पास एस थ्री का फॉर्मूला क्या है वन बाय टू एस टू प्लस एस वन, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के सेंटर में चला जाएगा, और इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका जो भी आंसर आएगा लाइक दिस इज अवर एस थ्री, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके जो बड़े वाला नंबर है उससे छोटा होगा दैट इज लेस देन एस टू, बट जो आपका लोअर नंबर है
उससे बड़ा होगा। तो जहीं से हमने आइडिया लगाना है एस थ्री इज इक्वल टू वन बाई टू एस टू प्लस एस वन है, तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या होगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आप इसको मैं और डिटेल में समझाऊं वो भी देख लेता हूं, अदरवाइज आप इसको एग्जांपल की हेल्प के साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने इस नंबर को लिंक करना है, तो मैं इसको सेंटर में लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, एस टू प्लस एस वन। तो मैं यहां पर दो एक्टिविटीज करूंगा, एक बार आप क्या कर दो, इस नंबर को रिप्लेस कर दो एस टू के साथ, मतलब यहां पर एस टू कर देना प्लस एस टू कर देना, ठीक है, और एक कर दो S1 एंड S1। तो हमने क्या कर दिया, एक बार तो S2 को रिप्लेस कर दिया S1 के साथ, एक बार S1 को रिप्लेस कर दिया S2 के साथ, तो रिलेशन क्या बनेगा, अब जहां पर हमने माना हुआ कि S1 क्या है, S2 से छोटा है, तो ये जो S1 है आपका सेम है, 1 बाय 2 सेम है, लेकिन दिस प्लेस S1 इज लेस देन S2, तो जहां पर J साइन आ जाएगा। जहां पर देखना S2 तो S2 सेम है, लेकिन दिस S2 की हमने एंट्री करवाई है जहां पर इसको रिप्लेस करके, तो S2 इज ग्रेटर देन S1 ऐसा आ जाएगा, एंड इनको सॉल्व करेंगे 2S1 ओवर 2, दिस इज आपका S1 एंड लेस देन, एंड दिस इज अवर S3, एंड दिस इज अवर 2S2, डिवाइड करने के बाद हमारे पास S2 आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन जी हमने समझनी होती कैसे बनी, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा था लास्ट टाइम, इसको बच्चों में मैं काफ़ी इसको लेकर कंफ्यूजन थी, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आगे कैसे चलना है, हमने अभी S4 की बात करेंगे, ठीक है। नाउ S4 कैसा है, 1 बाय 2 इंटू एस थ्री है प्लस S2 है, हमारे पास ऐसा नंबर है, और आपको पता है, यहाँ पर ध्यान देना, बेयर जो आपके पास अभी हमने ऊपर न्यूमिनेटर देखा, हमारा जो S3 है वो कैसा है, लेस देन S2 है, तो आप यदि रिप्लेस करेंगे तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे इस नंबर को, ध्यान से देखना, आपके पास S3 S2 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका S4 आएगा तो इन दोनों के बीच में, अभी उसको समझते हैं, बिकॉज इसको बार बार लिखना इतना मतलब सही नहीं है, हमें थोड़ी सी अपने माइंड के भी यूज करना कंसेप्ट के साथ, अभी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर आपका 2 क्या था, लेस देन 6 था, जो भी आंसर आएगा आपका इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, दैट इज ए एम ऑफ 2 एंड 6, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या है, बड़े नंबर से छोटा होगा, जैसे आंसर 4 था, बड़े नंबर से छोटा और छोटे नंबर से बड़ा होगा। अब वापस आइएगा, जहां पर वापस आ जाओ, अब S4 क्या है, S3 एंड S2 का अरिथमेटिक मीन है, इन दोनों में से S2 हमारे पास बड़ा है, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, S4 लेस देन S2 होगा लेकिन ग्रेटर देन S3 होगा। जहां तक समझ गए आप, तो इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूं, इसको मैं 2 मार्क कर लेता हूं। आगे चलते हैं और थोड़ा सा, अगेन हमारे पास S5 की बात करेंगे, जो कि 1 बाय 2 आ जाएगा आपके पास S4 एंड S3 आ जाएगा, तो बेयर आपके पास क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा, बेयर आपका जो S3 है वो लेस देन S4 है, वापस जाकर देखना S3 S4 से छोटा है, अब जे नंबर स्मॉल है, जे नंबर बड़ा, इनका अरिथमेटिक आएगा तो इसके बीच में, तो इसका मीनिंग S3 लेस देन S5 जो कि लेस देन S4 होगा, इसको मैंने मार्क कर लेना है 3, ठीक है। हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक में से ज़्यादा ही हम समझेंगे, एक और करते हैं, अगेन हमारे पास S6 की बात करेंगे, जो कि 1 बाय 2 इंटू S5 प्लस S4 होगा, अरे वाह, ये तो बात डिस्कस ही नहीं की, 5 और 4 कैसे आ रहा है, फॉर्मूला दिस है n और n-1 का, फिर से वही बात है, हमारे पास S6 का जो आंसर है वो इन दोनों नंबर के बीच में चला जाएगा, लेकिन हमें पता है वेयर हमारे पास कैसा नंबर है, जो S5 है वो छोटा है S4 से, इसका मीनिंग क्या होगा, जो S6 है वो S5 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, S4 से, दिस इज नंबर 4। अब हम थक चुके हैं, जहीं तक करते, अब सारी क्वेश्चंस को कंबाइन करके देखना, तो मैं जहां पर आपके लिए स्पेस बना लेता हूं, थोड़ा सा पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास वीडियो कैसी चल रही है, और साथ में हम स्पेस बना लेते हैं, आज हमें इसे समझे में आसानी होगी, ठीक है। तो सिर्फ वही इक्वेशन मैं आपको दिखाई दूंगा, दिखा जहां पर विजिबल होगी जो हमारे काम की है, ठीक है, लाइक हमें इक्वेशन नंबर 1 चाहिए, तो जहां तक हम कर लेते हैं, अब आपने लिखना फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 4, यहां पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, बट वी कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले S1 S3 से छोटा है और S3 S4 से है, और आगे चलते हैं हमारे पास
एस थ्री एस फोर से छोटी है, और एक हमारे पास जहाँ पर भी इक्वेशन बनी होनी है, जहाँ पर ये देखना ध्यान से। तो पहले मैं ऑड को ऑब्जर्व करवा रहा हूँ आपको, एस वन एस थ्री से छोटा था जहाँ पर एस थ्री एस फोर से है, लेकिन हमारे पास क्या है एस थ्री और फोर में एक नंबर एंटर कर चुका है एस फाइव, इसका मीनिंग एस थ्री किससे छोटी होगी एस फाइव से छोटी होगी। और एस फाइव आगे फिर जब आप इसकी बात करेंगे एस, तो इन दोनों में फिर से एक एंट्री आ चुकी है एस फाइव और S4 के बीच में, तो इसका मीनिंग ये ऐसे चल रहे नंबर S1 S3 से छोटा S5 से छोटा होगा, ये आगे ऐसे चलेंगे और कहीं ना कहीं जाकर आपका जो S5 है वो किससे छोटा है, वो S6 से छोटा है, और S6 किससे छोटा है S4 से छोटा है, S4 किससे छोटा है हमारे पास आप इक्वेशन ध्यान में देखना, इक्वेशन नंबर 2 में S4 आपके पास लेसर है दैट इज S2 से, तो आपके पास ऐसे सीक्वेंस बन चुकी है। समझ में आया कैसे लिखा हमने ऑड को ऑब्जर्व किया और साथ में हमने इवन को भी ऑब्जर्व किया। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ एस वन एस थ्री से छोटा था, फिर मैंने एस थ्री को जहाँ पर तुझे इवन नंबर से कंपेयर, लेकिन एट द सेम टाइम इक्वेशन नंबर थ्री में क्या है एस थ्री एस फाइव से छोटा, तो हम उस रिलेशन को उठा लेंगे ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम तो जहाँ पर स्टॉप कर चुके हैं, यदि हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास एस सेवन एस नाइन ऐसे चलते चलते चले जाएगा। उसके बाद फिर से वापस आते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या था S2 जो है, यदि आप इस डायरेक्शन से देखना चाहते हो तो वैसा भी देख सकते हो, अदरवाइज हम इसके अंदर ही देख लेते हैं कि S5 तो था लेकिन वो S6 से छोटा था। इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लाइक आपका S7 आएगा, S8 आएगा, S9 आएगा, वहाँ से वो 10 आ जाएगा, सारे सारे नंबर अंदर अंदर चलेंगे ठीक है। तो एस सिक्स आपका एस फोर से छोटा, तो एस फोर आपका एस टू से छोटा, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से क्या पता चला कि जी हमारे पास जी सिक्वेंस है एस थ्री आपका बड़ा है एस फाइव आपका बड़ा है, इसका मीनिंग क्या होगा देयरफॉर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल टर्म्स, ध्यान से देखना इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल टर्म, तो देयरफॉर हमारे पास सीक्वेंस आप इसको 2n माइनस 1 लिख सकते हो, दैट इज सीक्वेंस ऑड नंबर्स की सीक्वेंस, दिस इज अ ऑल टर्म सीक्वेंस, तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है। बिकॉज आप n से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, जब आप n को 1 पुट करेंगे नेचुरल नंबर है तो आपका ऑब्वियसली ऐसा 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो ऐसा चल जाएगा ठीक है। एंड जहां पर ध्यान से देखना s2 है, पर उसके बाद जो नेक्स्ट इवन टर्म आएगी x4 वो छोटी है, उसके बाद वाली फिर से छोटी, तो ये डिक्रीज कर रही है। एंड विच इम्प्लाइज एंड हमारे पास एट द सेम टाइम जो इवन नंबर की सिक्वेंस है sn, हम इसे अरेज कर लेते हैं जहां से ठीक है, इतना ही मेन था इसमें। तो जो हमारे पास ये है इवन टर्म की सीक्वेंस है उसको भी देख लेते हैं, दैट इज दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है ओके। और अभी हमारे पास दो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो हो चुकी है, लेकिन हमें यदि इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो इसका कन्वर्जेंट पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। वीडियो आपकी विजिबल है और ये वैसे मैंने बोला था कि डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मुझे आसान लगी, जी बस समझने की बात, इसमें यही कंसेप्ट था कि इसके जो टर्म्स हमने रिलेशन कैसे बनाना है ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो ऑल टर्म की सीक्वेंस है इट इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और आप यदि देखेंगे इसको ध्यान से तो ये बढ़ तो जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी नंबर से छोटी रहेगी। वापस आइएगा थोड़ा सा, एस वन एस थ्री से छोटा एस फाइव से छोटा, लेकिन ये जो एस फाइव वाले ये आगे जाकर इस नंबर से छोटी होगी, जितनी भी आप टर्म लेकर आएंगे एस सिक्स से वो एस से, इसका मतलब एस टू से ज्यादा तो आंसर कोई नहीं आएगा, तो इस बढ़ती हुई सिक्वेंस के ऊपर एस टू पड़ा है जो इसको क्या कर देगा बाउंडेड अबव कर देगा। फिर से वापस आना एस टू एन जो इवन टर्म है वो कम हो रही है, तो जो सीक्वेंस कम होती चलेगी लेकिन एक टाइम पर क्या होगा एस वन इज वहां पर, यदि आप सेंटर वाली सारी टर्म को रेज कर देंगे इन ऑड वाली को तो कम से कम जो इतना तो होगा ठीक है। यदि आप ऑड वाली टर्म को रेज करेंगे तो जहां पर इवन टर्म डिक्रीज करेंगी लेकिन एट अ वन पॉइंट एस वन से छोटी नहीं हो पाएगी, सो इट इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस बट बाउंडेड बिलो है, तो हम यहीं से लिख पाएंगे हमारे पास हेयर हमारे पास क्या है जो सीक्वेंस एस एन माइनस वन है इज बाउंडेड अबव बाई एस टू, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट को मैंने शॉर्ट लिख दिया। एंड एट द सेम टाइम मेरे पास कैसी है एस टू एन जो सीक्वेंस है जो कि इस टाइम डिक्रीज कर रही है लेकिन इट इज बाउंडेड बिलो है इज बाउंडेड
बिलो है हमारे पास बाय बाउंडेड ब्लो बाय किस नंबर से बाउंडेड ब्लो है एस वन से है तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट तो हमारे पास ये भी कन्वर्जेंट होगा अभी दोनों सिक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो चुके हैं तो कितना आसान हमने किया ठीक है अभी फर्दर क्या करना दोनों सिक्वेंस कन्वर्जेंट तो होगी हमने इनकी लिमिट बतानी है और कॉमन लिमिट बतानी है ठीक है तो जे भी किसी ना किसी को कन्वर्स करेंगी और जे भी जहां पर किसी ना किसी नंबर को तो कन्वर्स करने वाली ठीक है तो हमने क्या कंसीडर कर लेना है जहां पर एक बार देख लेते हैं हमारा ठीक है तो लेट कर लेते हैं जो हमारे पास और टर्म वाली सिक्वेंस है एस टू एन माइनस वन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसका लिमिट पॉइंट कोई आप एल कंसिडर कर लो एंड जो हमारे पास सिक्वेंस है इवन टर्म्स वाली है एस ऑफ टू एन इसका जो हमने कंसिडर कर लिया एम कंसिडर कर लिया ठीक है आगे वाली नेक्स्ट टर्म लिखना एस ऑफ टू एन प्लस वन नेक्स्ट उसको हम कैसे लिख सकते हैं दैट इज एक कम आपके पास एस टू एन आ जाएगी और उससे भी कम क्या है एस ऑफ टू एन माइनस वन हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है और यदि हम जहां पर लिमिट लगा दें पूरी की पूरी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस ऑफ टू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू लिमिट लगा दो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस ऑफ टू एन प्लस लिमिट लगा दो आप जहां पर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस ऑफ टू एन माइनस वन आपको याद होगा हम ऐसे ही करते थे जब भी हमारे पास हम लिमिट हमें ऑलवेज कंसिडर करते थे ए एन इज इक्वल टू एल है उसके बाद हम ए एन प्लस वन वाले का फॉर्मूला लिखकर दोनों तरफ लिमिट लगाते थे तो जहां पर भी हमने यदि इस टर्म की लिमिट लिखी है तो उसके जो नेक्स्ट टर्म है एन प्लस वन जहां पर करते थे यदि आप जहां पर एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस थिंग हियर ठीक है तो उसके ऊपर लिमिट लगा दी अभी जे आपके पास इसकी भी लिमिट एल है तो ऑब्वियसली इसकी भी एल होगी ठीक है यहाँ पर वन बाय टू है और जे इवन टर्म की लिमिट कितनी है एम है और इसकी लिमिट कितनी है एल इसको आप अभी तक कोई नंबरिंग नहीं की तो इसको हम वन मार्क कर सकते हैं ठीक है ओके आगे मूव करते हैं जैसे हमने एस टू एन की बात की कि एस टू एन की लिमिट इतनी है तो इसका जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो क्या होगा अगेन हम लिख पाएंगे यहाँ पर एस ऑफ टू एन प्लस टू इसके जो नेक्स्ट वाला होगा नंबर विच इज इक्वल टू वन बाय टू इसका जो एक बैक है दैट इज एस ऑफ टू एन प्लस वन एंड प्लस एस ऑफ टू एन के इक्वल होगा ठीक है ऐसा होता जो भी फॉर्मूला आप लिखते हो जो टर्म लिखते हो उसके बैक वाली फिर उससे एक और बैक वाली तो एस टू एन प्लस वन ऐसा हो जाएगा इसके ऊपर भी लिमिट लगा दो जल्दी से लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस ऑफ टू एन प्लस टू इज इक्वल टू वन बाय टू जहाँ पर लिमिट लगा दो तो देखते हैं कैसा आंसर आएगा टू एन प्लस वन के ऊपर भी प्लस लिमिट लगा दो जहां पर एस ऑफ टू एन के ऊपर भी इसकी लिमिट कितनी है इवन टर्म है तो इसकी लिमिट है एम हमारे पास ठीक है इज इक्वल टू वन बाय टू अरे ये तो ऑड है ऑड की लिमिट कितनी हमारे पास एल है प्लस एम आ जाएगा उसका फ्रॉम वन एंड टू कुछ ऑब्जर्व किया आपने फ्रॉम वन एंड टू ये हमारा वन है एल इज इक्वल टू हाफ एम प्लस एल और टू में हमारे पास एम इज इक्वल टू हाफ एल प्लस एम तो इनकी राइट साइड क्या है दोनों इक्वल है फ्रॉम वन एंड टू बी ऑब्जर्व दैट द राइट हैंड साइड ऑफ टू इक्वेशंस आर सेम तो देयरफॉर लेफ्ट साइड आर ऑल्सो सेम होगी सो वन एंड टू मिलकर हमें क्या इंप्लाइज करेगा एल इज इक्वल टू एम कि इसका मीनिंग दोनों की लिमिट क्या है कॉमन लिमिट होगी यदि कॉमन लिमिट है तो कॉमन लिमिट को हम जहां पर कुछ मार्क कर लेते हैं सिंपली हम लेट कर लेते हैं इसकी जो कुछ भी हम एल कर लेते हैं ठीक है दोनों की लिमिट एल सेम ही है तो टेक हमारे पास मतलब जो आपकी सारे की सारी इवन टर्म्स वाली सीक्वेंस है जो आपकी सारे की सारी ऑड वाली है उनकी कंबाइनिंग लिमिट क्या है हमारे पास एल है तो हम कंसीडर कर लेते हैं तो देखो फोर एक मिनट रुकी जाइए बस जस्ट अ वेट फॉर अ मिनट हाफ एंड मिनट ठीक है ज़्यादा नहीं वेट करना हमें जहाँ पर तो दोनों की लिमिट सेम है तो देखो फोर हमने क्या कर लेना तो देखो फोर हमने लेट कर लेना है कि एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी आइदर आपके पास ऑड टर्म्स हो आइदर आपके पास क्या है इवन टर्म है लेकिन लिमिट को हमने एल ही कंसीडर कर लिया ठीक है सिंपल सा फंड है ओके और हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो इतनी होगी अब उसके आगे बढ़ते हैं नाउ गिवन के हमारे पास फॉर्मूला है एस एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू एस एन प्लस एस एन माइनस वन का फॉर्मूला और कैसे लिख सकते इस टू को इस साइड शिफ्ट कर देना एस एन प्लस एस एन माइनस वन जहां पर सब्स्टिट्यूशन करनी स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पर क्या करना अपने n की वैल्यूज को पुट करना देखिए n को कहाँ से स्टार्ट करना वन से मत स्टार्ट करना यदि आप वन से करेंगे तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा पैर में और s जीरो की बात ही नहीं करें हम s वन से ही हमारा स्टार्ट करें हैं तो जहाँ पर क्या करें आप पुटिंग आपने क्या करना है पुटिंग
एन की वैल्यू को वन वन ना करना, बिकॉज यदि आप एन को वन करेंगे वन माइनस वन जीरो तो एस जीरो शो हो जाएगा, जबकि हमारे सबसे जो स्मॉलेस्ट टर्म्स हमने स्टार्ट की वो एस वन एस टू से की, तो एस जीरो तो है ही नहीं, तो हम इसको टू से स्टार्ट कर सकते हैं, पुट एस इक्वल टू टू थ्री फोर अप टू सोन एन, तो दोनों तरफ पुट करते चलेंगे, बाद में ऐड करके देखेंगे क्या बनेगा। तो मैं जहाँ पर करवाता हूँ, जैसे आपने टू पुट किया तो आपके पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी टू एस थ्री इज इक्वल टू, जहाँ पर टू पुट किया S2 आ जाएगा और प्लस S1 होगा, फिर आपके पास 2S4 होगा, S3 होगा, S2 होगा, 2S5 होगा, S5, ठीक है, यहाँ पर S4 होगा, यहाँ पर S3 होगा, 2S6 होगा, S5 होगा एंड S4 होगा, ऐसे हम जल्दी चलते चलते हैं, ठीक है, मान लो हम ऐसे चलेंगे तो लास्ट में जो टर्म हमारे पास यही बच जाएंगे जहाँ पर तक हम पहुँच चुकेंगे एन प्लस वन इज इक्वल टू एस एन प्लस एस एन माइनस वन, लेकिन इसके जो बैक वाली टर्म होगी वो होगी टू एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू होगी। तो अब देखिए इसमें यदि हम सभी को ऐड कर लें, यहाँ पर लिखते हैं एडिंग ऑल, मैं जहाँ पर लिखा देता हूँ एडिंग ऑल दीज, जब आप इसको ऐड करेंगे ध्यान देना तो आपकी एक लेफ्ट साइड रेडी होगी एक आपकी राइट साइड रेडी हो जाएगी, तो करते हैं रेडी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो अच्छे से कहीं कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए हमारे पास, तो आप ऐड करना स्टार्ट करें लेफ्ट को, तो लेफ्ट में जब मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास टू एस थ्री टू एस फोर टू एस फाइव और ये चलते चलते हमारे पास टू एस एन इज इक्वल टू और सॉरी टू एस एन प्लस हमारे पास 2SN प्लस 1 के इक्वल आ जाएगी। तो मैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट में जहाँ पर लिख देता हूँ, अब इधर आप ऐड करो, सबसे पहले आपके पास S1 सिंगल आपको दिखाई देगा, फिर आपके पास S2 S2 2S2 हो जाएंगे, फिर आपके पास S3 S3 2S3 हो जाएंगे, फिर आपके पास S4 S4 2S4 हो चलेंगे, ठीक है, और लास्ट चलते चलते अब मैं इसको रेज करता हूँ, ऊपर का काम हमारे हो चुका है, लास्ट चलते थे आप देखना हमारे पास जो आपके पास n माइनस वन टर्म है वो भी आपके पास दो हो जाएंगी, जहाँ पर टू एस एन माइनस वन और जी एक लास्ट में बचेगा आपके पास सिंगल एस एन, तो हमारे पास ऐसा कुछ रिलेशन बचेगा, लेफ्ट साइड है और दूसरी अब राइट साइड, तो कुछ दिखाई दे रहा आपको, कुछ आप कैंसिल कर सकते जहाँ पर देखें टू एस थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और इसके बैक जो टर्म होगी वो पूरी की पूरी इससे कैंसिल हो जाएगी, इसके बैक होगा 2sn माइनस वन, तो बचेगा क्या आपको इस साइड में से आपके पास बचेगा 2sn प्लस 2sn प्लस वन और इस साइड बचेगा आपके पास सिंपल एक तो जहां पर हाँ जो स्टार्टिंग दो टर्म बचेगी s1 प्लस 2s2 प्लस एक लास्ट में sn बचेगा, फिर आप क्या करोगे sn को एक साइड लेकर आ सकते हो, तो आपका जहां पर 2 हो तो कट करने के बाद s1 प्लस 2 एस एन प्लस वन इज इक्वल टू आपके पास एस वन प्लस टू एस टू बच जाएगा। अब क्या अब तो जनरल टर्म है सिंपल लिमिट लगा दो जहाँ पर टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एंड टेन टेन टेन, तो हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया है कि यदि एस एन प्लस टू एस थ्री प्लस एन प्लस थ्री है सॉरी एन प्लस वन है, जब आप इसमें डिफरेंट पुट करेंगे तो आपका आंसर यही कहीं रहेगा एस वन प्लस टू एस टू के पास ही रहेगा, सो दिस इज द ऑल ओवर डिपेंडेंस, तो लिमिट लगा दो सिंपल जहाँ पर, ठीक है, तो मार्कर हमें देख लेते हैं, एक मार्कर पूरा फुल लग जाता है एक वीडियो में और गर्मी के कारण ऐसा होगा, तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन प्लस टू इंटू लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस ऑफ एन प्लस वन, इस साइड तो आपका एन नहीं है तो जी एज इट रहेगा और जहां पर इसकी वैल्यू हमने कंसिडर की थी हमारे पास एल आ जे भी हमारे पास 2L आ जाएगा इज इक्वल टू एस एन प्लस 2S2 हो जाएगा, तो जहाँ से L प्लस 2L दैट इज 3L, सो हमारे पास 3L इज इक्वल टू एस वन प्लस 2S2 एंड L हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बाई थ्री इंटू एस वन प्लस 2S2 हो। सो आपको जो क्वेश्चन जो अच्छा लगा होगा आज के लिए, तो हमने क्या प्रूव कर दिया जैस देयर कॉमन लिमिट कितनी है 1 बाई थ्री एस वन प्लस 2S2 हमारे पास है, तो इस वीडियो को एक बार आप देख लें, ध्यान से इस लेक्चर को आप नोट करना इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल को, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तो आप क्या करें इसके जो नेक्स्ट वाली एग्जांपल से दो एग्जांपल आपको इस तरह से मिल जाएंगी सेम टू सेम एसएस में कैटेगरीज है, मैं उनकी पिक्स आपको सेंड कर दूंगा,
ठीक है, मेरे को बता देना। तो वो दो एग्जांपल आपने खुद ट्राई करनी है, कैसे भी करें ट्राई करें, और जब आपको लगेगा कि नहीं होगा कोई पॉइंट देन वी विल डिस्कस, ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन खुद ट्राई करना, सो दैट्स भी हम जो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैंने इसके अंदर जान लगा दी पूरी की पूरी। सो होप्स आपको अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वैसे तो आप करते हो कहने की बात नहीं, लेकिन क्या करें, जो आदत होती है वो बार बार हमारे अंदर से चीज़ें आती है कि कहें वो इनको कहना पड़ेगा, तो वो मेरी हैबिट बन चुका है कि प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, लेकिन आप तो ऑलरेडी करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते कल एक अच्छे पार्ट के साथ।